गाइस तो अभी सूट ले लिए हैं, एक ये वाला मैंने पसंद किया है और पांच सूट वो लिए हैं, एक डेतो साहब ने लिया है, एक कामरा ने लिया है और एक साहिर भाई ने लिया है और एक आपके भाई ने ले लिया है। गुड हो गया जी पिज्जा माशाल्लाह। कैसा आ गया पिज्जा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक अनदर व्लॉग और आज का कुछ सीन यू है कि आज हम लोग जा रहे हैं टीआरबी कॉलोनी और ये साहिर भाई आ गए और ये जावेद आ गया और हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने, कपड़े वगैरह खरीदने जा रहे हैं और उस तरफ जा रहा है मेरा दोस्त कामरान और आज हम लोग जा रहे हैं टीआरबी कॉलोनी। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ हम क्यों खाएगा और हम लोग किसी के खाते नहीं है, हम अभी पिज्जा खाएगा हम पैसा देगा ऐसा। अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। आज कुछ सीन यूँ है कि आज हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा और शॉपिंग वगैरह करेंगे ईद की और साथ में आएगा कामरान भाई। कामरान भाई क्या क्या लेना है कुछ? बस कपड़े वगैरह ईद की शॉपिंग बस। अच्छा और जो ना उसके अलावा आपके लिए कुछ बनियान लेंगे, कुछ चुपकर कुत्ते। इसकी कामरान गड्ढे की साइज नहीं मिली लालू के, फिर यहाँ पर आना पड़ा हमें। ये ऊपर से नीचे जो ना फुल एसी प्रोटोकॉल है। अच्छा चेक कर सकते हो कामरान भाई। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ये नहीं देखेगा अभी चट्टे की साइज यहाँ पर भी हमें नहीं पता इसकी मिल जाएगी। इसको भी दिलाना है, इसको भी एक दिलाना है। नहीं मेरे पास बहुत बहुत बढ़िया, मेरे पास चट्टा भरा हुआ है कामरान भाई के लिए। बोरी बोरी में इसके लिए ढूंढते हैं। ये कामरान भाई को मैसेज आया है चड्डे की तरफ से। चुप कर कुत्ते। जा रहे हैं हम लोग कपड़े की शॉप पे और नहीं कपड़े नहीं पिज्जा की शॉप पे। अरे कहना क्या चाहते हो? पिज्जा बाद में खाएंगे ना? नहीं अभी नहीं, पिज्जा बाद में खाएंगे, बाद में शॉपिंग वगैरह करते हैं। शॉपिंग पहले करेंगे तो पैसे नहीं बचेंगे पिज्जा के। बात तो सही है। हमें लगता है कि पैसे बाद में नहीं बचेंगे। नहीं नहीं बच जाएंगे पैसे, पहले शॉपिंग करते बाद में पिज्जा खाएंगे ना यार। पिज्जा खाएंगे उसके बाद शॉपिंग करेंगे, अगर कुछ पेट में होगा तो शॉपिंग करेंगे। हाँ ये सामने पिज्जा की शॉप आ गई गाइस। अभी हम जो है ना पैसे निकालने वाली दुकान के पास पहुँच गए और ये अंदर दुकान है। गुड हो गया जी पिज्जा वगैरह खिलाएंगे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 40-50 लाख के पास पड़े हुए हैं भाई साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी गाइस दे सकते हैं। ये जो UPL के गाने चल रहे हैं, अब हम डालने वाले हैं अपना कार्ड। गाइस तो अभी सूट ले लिए हैं, एक ये वाला मैंने पसंद किया है और पांच सूट वो लिए हैं, एक डेतो साहब ने लिया है, एक कामरान ने लिया है और एक साहिर भाई ने लिया है और एक आपके भाई ने ले लिया है। अच्छा और ईद पे करेंगे हम लोग मजे और ये भाई भी देख लें आप। बताना क्या ये जो ना ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल के अबे ये कलर का बात है ना ये और ये जो है ना इधर आएगी ठीक है, इसके बाद हम गलाएगा। ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहां पे, हमें जावेद खिला रहा है पिज्जा, अभी मजा आएगा ना। और ये आ गए पिज्जा की शॉप और ये आ गया जावेद। जावेद खिला रहे हो ना पिज्जा? बिल्कुल हम जो ना गरीबों को नान पिज्जा खिला रहे हैं। अच्छा गाइस अभी जो हमने ये मैंने लिए एक वाइट सूट लिया है और एक ये सूट लिया है और ये ईद के लिए हमने लिए हैं सूट, शॉपिंग की है और यही हमारी ईद की शॉपिंग।
ओके 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 गाइस, अभी फाइनली हमारा पिज्जा आ गया और हम कहते हैं हमारा क्या खजीता माशाल्लाह मजेदार है जब ना यो ये चेक करो गाइस ये आ गया पिज्जा मजा आया। जैसे आप लोग देख रहे हो आज हम तो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं कि देखो सारा खर्चा जो है ना जावेद देखो इन लोगों का है माशाल्लाह देखो ये बस हम कहावत है देखो ये लेता है सिर्फ देता नहीं है आज ये दे रहा है हमें खिला रहा है आप लोग भी देख रहे हो और वो भी लार्ज पिज्जा हमें खिला रहा है जावेद देखो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे गरीब दोस्त है ना गरीब दोस्त खाने का तरीका भी नहीं है ये देखो ये क्या हमारा चिकन कमरा ना देता सब बोटी खाई और क्या चीज भली है यमी ये आप लोग देख सकते हैं सारा डेटोज आपका आ गया है और मैं सिर्फ व्लॉग बनाता रहेगा और ये चेक करें ये देख करें जानवर कौन जानवर है तुम नहीं हो क्या नहीं गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं आगे और कामरान भाई हमें पिलाएंगे चाय और शॉपिंग वगैरह कर लिए और चाय भाई पिलाएंगे पिज्जा वगैरह खा लिया नहीं तुम इसको इधर कैमरा में देखो इधर इधर बताओ चाय कैंसल नहीं चाय कैंसल नहीं मलाई वाली चाय बढ़ गई चाय भाई नहीं वाली मलाई वाली चाय तो कमरा पे यार ऐसे कैसे कैंसल हो सकती है कामरान भाई तुम्हारे पास गरीब है वो भी सारा इस पे खर्चा होगा ये क्या कहना चाहता है इसको क्या हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई के 1100 या 1200 रुपए कामरान भाई के पास पैसे होंगे वो भी हम लोग जो ना चाय पी के जो ना पूरा कर लेंगे अब तो मौजा ही मौजा होंगी गाइस कामरान भाई आर्डर किसका ये कामरान भाई हम लोगों का पैसा कामरान भाई चाय पिलाएगा ना चाय पिलाएगा ठीक है गाइस तो अब पीआईबी से हम होके आ गए हैं और यहाँ आ गए हैं होटल पे पी रहे हैं चाय और चाय वगैरह पीते हैं ये देख कर आ गई चाय आ गई ये चाय आ गई और ये डेथो साहब खा रहा है पराठा इसको भूख लगी है पिज़्ज़ा से इतना इसका पेट नहीं भरा और ये कामरान भाई आ गया और ये साहिर उस्ताद खान आ गया मामा साहिर तो थैंक यू कामरान साहब ये चाय मंगाई आपने और कल मिलेंगे एक और ब्लॉग में ओके फिर।